हेलो फ्रेंड्स सफलता मंद क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम गणित विषय के ऊपर एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है एलसीएम और एस इसमें मैंने जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं एलसीएम और एस से प्राइमरी से लेकर जूनियर लेवल तक के लिए उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है और कोशिश की है कि हर तरह के प्रश्न जो अभी तक यू पी और अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षा एग्जाम में पूछे गए उनको मैंने समाहित किया हुआ है सबसे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सजेशन के लिए कमेंट भी करें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 425 एवं 476 का मासापा क्या है मासापा का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मैटर मतलब हम इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं ठीक है और दूसरा अभाज्य गुणखन जिसे कहते हैं इनके अभाज्य गुणखन कर लेते हैं और दूसरा तरीका है कि हम इनको भागवित से करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा जब नंबर साइज में बड़े हों जैसे कि एबव हंड्रेड हो तो हम उनको प्राइम फैक्टर की जगह पर उनको हम भागवित से सॉल्व करेंगे और भाग से सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम देखेंगे जैसे 425 और चार दो नंबर हैं तो हमें पता है कि चार छोटा है और चार बड़ा है तो ये भी ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि चार सौ में ही 425 से भाग दिया जा सकता है ना कि चार से चार में ठीक है तो ये जो छोटा नंबर हो जाएगा वो हमारा डिविजर हो जाएगा बड़ा नंबर डिविडेंड हो जाएगा कितनी बार जाएगा सीधा सीधा दिख रहा है एक बार जाएगा बचेगा हमारा फिफ्टी वन अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया चार सौ पच्चीस अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्या रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना अब हम प्रोसेस को आगे क्या करेंगे जो डिविजर था उसको उठा करके हम डिविडेंड की जगह रख देंगे मतलब जिसमें भाग दिया जाएगा और जो शेष फल आएगा उससे हम जो पहले जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देंगे और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो शेष फल है वो सोने ना मिल जाए तो ये आठ बार जाएगा आठ एकम आठ होता है आठ पन्चालीस होता है यहाँ पर क्या बचेगा सत्रह अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया उठ के अब वही नेक्स्ट प्रोसेस ये इक्यावन यहाँ पर आ जाएगा ओके अभी तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया है तो सत्रह तीन इक्यावन होता है और ये देखिए जीरो आ गया और जिससे भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आया है वही नंबर हमारा एस सी बन जाएगा थ्री नंबर्स के, के केस में क्या होता है कि यही नंबर उस नंबर को जैसे एक नंबर और होता सपोज फिफ्टी सेवन होता सॉरी फिफ्टी वन हो सिक्सटी एट होता तो हम क्या करते अब जो इन दोनों का मासापा आया था वो क्या था सेवनटीन अब हम 17 से सिक्सटी एट को डिवाइड करते अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर देता तो सही था अगर नहीं करता तो आगे इस स्टेप को प्रोसीड करते चले जाते फ़िलहाल यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेवनटीन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइन्टी थर्टी फाइव का लाशापा क्या होगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम सभी नंबर्स को एक टेबल में रखेंगे सिक्सटी नाइन्टी और सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव और इसको हम डिवाइड करेंगे टू से तो टू थर्टी आएगा यहाँ पर फोर्टी फाइव आएगा और यहाँ पर क्योंकि तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से और हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है और टू से डिजिटलिटी रूल पता है अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो वो डिवाइड होगा ज़रूरी नहीं सभी डिवाइड हो रहे हैं आपको ये नहीं देखना है कि सभी डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है आपको इतना देखना है कि जितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं उतने कर दीजिए और जो नहीं डिवाइड हो रहे है वो वैसे ही लिख दीजिए अभी भी दिख रहा है कि थर्टी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर फिफ्टीन आ जाएगा बाकी नंबर वैसे ही लिख दीजिए ठीक है आप क्या करिएगा इसको थ्री से डिवाइड कीजिएगा थ्री फाइव जा हो जाएगा यहाँ पर फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी फाइव आ जाएगा थर्टी फाइव मेरा डिवाइड नहीं हो रहा वैसे ही लिख देंगे थ्री से अभी भी डिवाइड हो रहा है जब तक करते रहेंगे जब तक सभी नंबर डिवाइड नहीं हो जाएंगे यहाँगे? यहाँ पर क्या जाएगा? आ जाएगा फाइव आ जाएगा सॉरी यहाँ पर ट्वेंटी फाइव रहेगा और यहाँ पर थर्टी फाइव रहेगा आप क्या करेंगे फाइव से हम डिवाइड करेंगे ओके थ्री से अब कोई नंबर वन वन फाइव और सेवन अब देखो यहाँ पर जो नीचे हैं यहाँ सब प्राइम नंबर्स आ चुके हैं फाइव सेवन भी प्राइम नंबर अब देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे फाइव इंटू सेवन फाइव इंटू थ्री ये जब आपस में फाइव इंटू सेवन इंटू फाइव इंट थ्री इंटू थ्री इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जैसे फाइव इंटू टू कर लीजिए टेन आ जाएगा फिर इस फाइव का इससे टू से कर दीजिए तो टेन इंटू टेन हंड्रेड हो जाएगा आसानी हो जाएगी और थ्री थ्री जो नाइन इंटू सेवन कर दीजिए सिक्सटी थ्री हो जाएगा आप आसानी से लिख सकते हैं इसको सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड मोबाइल नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ एक सौ आठ एवं एक सौ चौवालीस का ला सा पा कीजिए कुछ नहीं है इसमें फैक्टर करने हैं आप लोगों को और इसका आसानी से लासापा अग्ञात हो सकता है अब प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं ये आप लोग जानते हैं एक सौ आठ को ऐसे लिखिए और स्टार्ट कीजिए छोटे नंबर से डिवाइड करना किससे से टू से होगा टू फाइव जा टू फोर फो जा फिर टू से होगा फिर क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन फिर थ्री से होगा नाइन फिर थ्री थ्री जाए मतलब प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है हम किस हर नंबर्स को सब सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा टू है फिर हम इसके बाद जो आया फिर उसको चेक करते हैं अब देखिए टू के बाद अगला प्राइम नंबर थ्री है हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं ठीक है प्राइम फैक्टर करते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम उनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो एक के जो फैक्टर होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे वन के फैक्टर हम लिख लेंगे यहाँ पर वन हंड्रेड एट इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है ना यही होगा अब वन हंड्रेड फोर्टी फोर के क्या होंगे आप आसानी से भी कर सकते हैं इनको पहले छोटे छोटे नंबर्स में ज़रूरी नहीं वो प्राइम नंबर्स इनके दो फैक्टर कर लीजिए कोई भी दो कर लीजिए उनको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए अब क्या होता है सिक्सटी नाइन होता है सिक्सटी नाइन तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री बोल आप लोग कर सकते हैं आप देखिए लाशा का मतलब होता है जो नंबर जहाँ पर सर्वाधिक बार आया होता है टू देखिए एक सौ चवालीस के फैक्टर में सबसे ज़्यादा बार आया तो यहाँ से हम टू को लिखेंगे अगर इसके फैक्टर में क्योंकि दो ही बार आया तो ये नहीं इसको भी लिखना है नहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार टू आया होगा थ्री देखिए यहाँ पर दो बार आया है और एक सौ आठ के फैक्टर में तीन बार आया लिख लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए इनको तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा आंसर फोर हंड्रेड थर्टी टू यही हमारा लासापा हो जाएगा और ऑप्शन हमारा इसमें होगा इसमें फोर हंड्रेड थर्टी टू का ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव टेन थर्टी फाइव के सबसे छोटे सार और सबसे बड़े सरगुणखंड का अंतर बताइए सबसे छोटे सार का मतलब होता है एलसीएम और सबसे बड़े सर्वगुणखंड का मतलब होता है ऐसे बस ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दे दिए गए हैं और इसमें कुछ भी नहीं है इनका दोनों का एल निकालना है इन तीनों नंबर्स का इन तीनों नंबर का एल निकालना है छोटे नंबर हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए फाइव था फाइव का फैक्टर होंगे वन इंटू फाइव टेन था तो टेन के फैक्टर होंगे टू इंटू फाइव और थर्टी फाइव था तो उसके फैक्टर होंगे सेवन इंटू फाइव देखिए इसका अगर एस सी एफ देखें तो क्या होगा फाइव होगा ये एस सी एफ हो गया और एलसीएम क्या होगा एलसीएम मतलब देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है सबसे पहले चेक करेंगे टू किसके फैक्टर में सबसे ज़्यादा बार एक बार आया है, फिर फाइव सबसे हर एक के फैक्टर में एक ही एक बार आया तो फाइव इंटू सेवन तो हो जाएगा हमारा सेवेंटी अब क्या करना है इनका डिफरेंस निकालना है तो एस सी अब एल सी में एस से माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी फाइव और यही हमारा आंसर होगा और हम इसको टिक कर देंगे और घर चले आएंगे एक सौ पाँच के गुणनखंडों की संख्या क्या है एक सौ पाँच के गुणनखंड देखिए क्या करते हैं एक सौ पाँच ये मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से एक सौ पाँच को डिवाइड करना सबसे छोटा नंबर होता है वन देखिए 105 को जब हम डिवाइड करेंगे वन से आप कैसे लिखेंगे कन्फ्यूजन ना वन से डिवाइड करेंगे तो वन ज़ीरो फाइव ठीक है वन जीरो फाइव आएगा आप धीरे धीरे डिवाइड कीजिएगा किसी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है तो देखिए आपको क्या करना है एक 105 को इधर लिख देना है ठीक है अब दूसरा नंबर क्या है दो से डिवाइड होगा नहीं लास्ट डिजिट फाइव है थ्री से होगा कि हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि इनके डिजिट्स का सम सिक्स है तो हम टू से डिवाइड कर देंगे इसको थ्री से तो थ्री से डिवाइड करेंगे जब हम इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा थ्री थ्री जा नाइन आएगा यहाँ पर वन बचेगा और ये कैरी करेंगे फाइव थ्री फाइव जा तो हमारा थर्टी फाइव आ जाएगा ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इसको फोर से होगा नहीं होगा फाइव देखिए जो भी हमारा भाग देने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है वो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं और जिससे भाग देते हैं वो इस तरह फाइव से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा क्या आएगा ट्वेंटी वन आएगा आप करके देखिएगा इसको फिर क्या सेवन सिक्स से होगा नहीं होगा सेवन से होगा बिल्कुल होगा सेवन से डिवाइड करने पर यहाँ पर फिफ्टीन आएगा एट से होगा नहीं होगा नाइन से होगा नहीं होगा टेन से होगा नहीं होगा एलेवन से होगा नहीं होगा क्योंकि मुझे डिसबलिटी रूल याद हैं तो मैं सीधे अप्लाई करते जा रहा हूँ थर्टीन से होगा बिल्कुल नहीं होगा थर्टीन से भी नहीं होगा और थर्ड फोटीन से भी नहीं और फोर्टीन के बाद देखिए फैक्टर हमें मिलने शुरू हो गए क्योंकि फिफ्टीन हमारा नेक्स्ट नंबर है इसके आगे सारे नंबर मिलने शुरू हो गए इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे और सारे फैक्टर काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल फैक्टर हो गए एट और हमारा आंसर हो गया एट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं देखिए कि प्राकृत संख्याओं दो प्राकृत संख्याएं छः अनुपात ग्यारह के अनुपात में यदि इनका लास्ट सा चार सौ बासठ हो तो इनका मासा ज्ञात कीजिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दो संख्याएँ छह अनुपात मान लीजिए एक सिक्स एक्स है और दूसरी ग्यारह एक्स है और एक फार्मूला याद रखिए कि दो संख्याओं का लाशा दो संख्याओं का गुणनफल उनके लाशा और मासा के गुणनफल के इक्वल होता है अब देखिए यहाँ पर सिक्स एक्स इंटू ग्यारह एक्स कितना हो जाएगा सिक्स एक्स इंटू एलेवन एक्स इज इक्वल टू लाशा दिया है चार सौ बासठ अगर यहाँ से देखें तो इनका मासा क्या होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा वो हमें एक्स दिख रहा है क्योंकि तो इलेवन और सिक्स में तो कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पर सिर्फ कॉमन नंबर क्या दिख रहा है एक भी एक नंबर की तरह ट्रीट कीजिए इसको घबराइए मत लोग एक जैसे ही आता है घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ आ गई एक ऐसी वैल्यू होती है ऐसा नंबर होता है जो हमें पता नहीं होता है तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे मासा की जगह क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर यही दिख रहा है एक यहाँ पर भी है और इस नंबर के साथ भी एक है तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया तो सिक्सटी एलेवन इंटू सिक्स सिक्सटी सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर हंड्रेड सिक्सटी टू आप हम एक्स इज इक्वल एक टू क्या लिखेंगे एक्स बराबर होगा चार सौ बासठ को छाछठ से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा सेवन तो हम यहाँ पर किसे टिक करेंगे घा ऑप्शन सेवन को टिक कर देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव कीजिए संख्या सौ के सभी गुणनखंड का योगफल तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड निकाल लीजिए पहला सबका ये सौ लिख दीजिए से होगा बिल्कुल साफ होगा दो से यहाँ कर दीजिए फिफ्टी लिख दीजिए थ्री से होगा नहीं होगा फोर से होगा बिल्कुल होगा ट्वेंटी फाइव लिख दीजिए फाइव से होगा बिल्कुल होगा ट्वेंटी लिख दीजिए सिक्स से होगा नहीं सेवन से होगा नहीं एट से होगा नहीं क्योंकि नाइन्थ से होगा नहीं टेन्थ से होगा बिल्कुल होगा टेन अब टेन टेन होता है तो टेन तो यहाँ बस एक ही बार लिखिएगा अगर कोई नंबर्स को डिवाइड करने में जैसे फाइव ट्वेंटी फाइव है और डिवाइड करने में फाइव से डिवाइड किया जा रहा है और कोशेंट भी फाइव आ रहा है तो हम सिर्फ एक ही टाइम फाइव लिखेंगे जान तो गए होंगे जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं हंड्रेड को जैसे फाइव से डिवाइड किया तो क्या आया फाइव टू ज टेन यहाँ पर जीरो यहाँ जीरो यहाँ पर जीरो तो हम क्या करते हैं जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है उसे लेफ्ट हैंड इस राइट हैंड साइड में लिखते जा रहे हैं और ये प्रोसेस अब टेन के बाद देखिए ट्वेल्व से होगा नहीं थर्टीन क्योंकि टेन के बाद टेन मिल गया था देखिए टेन डेजा हंड्रेड होता है बस आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं इनको ऐड कर दीजिए इन गुणनखंड यही तो होंगे इसके गुणनखंड खंड अब हज गुड़न अलग, अलग चीज़ होती है गुणनखंड अलग चीज़ होती है ठीक है तो इनको जब हम इनका योग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर होगा दो सौ सत्रह करके देखिएगा यही हमारा आंसर होगा में क्या जोड़ा जाए जिससे ये प्राप्त हो जाए तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इससे माइनस कर दीजिए सिंपल चीज़ है एक सौ चालीस एक सौ एक है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक सौ चालीस इसको आसानी से करने के लिए क्या करिएगा वन हंड्रेड प्लस वन लिख दो कोई फ़र्क पड़ना नहीं पड़ना ये देखिए जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एक सौ चालीस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा एक सौ चार वन फोर जीरो अब इसे किससे माइनस कर देना है इसको माइनस कर देना है हमें जो हमारा आंसर माइनस करना है हमको इसको ये आगे हमारा इनको मल्टीप्लाई करने पर और माइनस किससे करना था इस नंबर से माइनस कर दीजिए तो जब हम वन फोर फोर वन फोर में हम वन फोर वन फोर जीरो को माइनस करेंगे तो हमारा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था ये ध्यान रखिएगा ये आया था सेवन और ये हो जाएगा टू टू हंड्रेड सेवेंटी फोर हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये का मासा है इनका मासा निकालना बहुत आसान है बड़े नंबर है भागफल फल का यूज़ करेंगे ठीक है दोस्तों तो बड़े नंबर्स का भागफल कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए आप लोगों को हम कैसे यूज़ करेंगे इस नंबर्स को भागफल निकालने के लिए हम सबसे पहले थ्री हंड्रेड फिफ्टीन फोर हंड्रेड फोर्टी सेवन कोई दो नंबर ले लीजिए थ्री हंड्रेड फिफ्टीन और फोर हंड्रेड फोर्टी सेवन डिवाइड कीजिए वन टाइम जाएगा टू आएगा यहाँ पर कितना आएगा थ्री आएगा यहाँ पर वन आएगा थ्री हंड्रेड फिफ्टीन टू जा कर दीजिए टू हंड्रेड सिक्सटी फोर थ्री जा ज़्यादा हो जाता ठीक है ना यहाँ पर कितना आएगा वन आएगा यहाँ पर फाइव आएगा फिफ्टी वन वन हंड्रेड थर्टी टू टू जा थ्री जा ज़्यादा हो जाएगा टू जा कर दीजिए वन हंड्रेड टू आएगा कितना बचेगा जीरो और थ्री अब फिफ्टी वन करते जाइएगा फिफ्टी थर्टी यहाँ पर थर्टी बचेगा ना तो यहाँ पर इसको माइनस करिए कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है थर्टी वन फिफ्टी वन बन जाए थर्टी यहाँ पर बचेगा ट्वेंटी वन ठीक है ना अब यहाँ पर थर्टी आ गया थर्टी आ गया ना डिवाइड कीजिए वन टाइम जाएगा यहाँ पर कितना आएगा ट्वेंटी वन यहाँ कितना आ गया नाइन बचेगा अब नाइन ट्वेंटी वन को डिवाइड कीजिए टू जाटीन आएगा ठीक है ना यहाँ पर कितना बचा थ्री अब थ्री को किससे डिवाइड करेंगे नाइन से पता है नाइन थ्री से डिवाइड हो जाएगा और हमारा इन दो नंबर्स का जो एस होगा वो थ्री होगा अब हमें क्या करना है जो दो नंबर्स का एस आया है उसको हमें तीसरे नंबर से चेक करना है तो तीसरा नंबर हमारा क्या है थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन इसको डिवाइड करके देख लीजिए थ्री से थ्री बन जा थ्री जीरो फाइव आया थ्री बन जा थ्री कितना आया टू आया सेवन थ्री थ्री जा थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ठीक है ये भी डिवाइड हो गया मतलब थ्री इन तीनों का एस सी एफ हो गया ठीक है दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं यहाँ पर सही आंसर होगा थ्री सॉरी फ्रेंड्स मैंने ये कापी किया था और मैंने ऑप्शंस को चेक नहीं किया था इसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमी सॉरी तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें पाँच सौ नब्बे नौ सौ आठ एक सौ चौदह को भाग देने पर समान शेष बचे इसमें क्या करना है आपको नौ सौ आठ में पहले सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्याओं से माइनस कर लीजिए पाँच सौ नब्बे फिर दस सौ चौदह में माइनस कर दीजिए पाँच सौ नब्बे अब देखिए अभी भी दस सौ चौदह से नौ सौ आठ कम है तो इसको माइनस कर दीजिए इनको जो माइनस करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा इनको जो माइनस करने पर क्या रिज़ल्ट आएगा एक का आएगा तीन सौ अठारह एक सौ छः और चार सौ चौबीस ठीक है ये आ जाएगा रिजल्ट इनको माइनस करने पर जब इनको हम माइनस करने पर रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे इन तीनों का क्या निकाल लेंगे एस और वही हमारा आंसर हो जाएगा अब इन तीनों का एस क्या होगा देखिए हम 106 को 318 से डिवाइड करते हैं 106 को 318 से तो देखिए 318 सौ थ्री टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो गया जीरो आंसर मतलब यही पहला ही नंबर मिल गया एस सी क्योंकि हमें रिमाइंडर जिसको जिससे डिवाइड करने पर हमें सेसफुल जीरो मिल जाए वही हमारा एस हो जाता है क्या अब ये दूसरे नंबर का भी एस होगा कि नहीं तो हम इसे चेक करेंगे दूसरा नंबर क्या था चार कर लीजिए चेक एक सौ छः से डिवाइड कीजिए अरे वाह ये तो यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या मिल गया जीरो यानी कि इसका भी एस हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया वो बड़ी से बड़ी संख्या एक सौ छः जिससे डिवाइड करने पर दो संख्याओं का मासा व लाशा पाँच है देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दो संख्याओं का मासा पच्चीस और लासा ये मान के चलिए हमेशा बड़ा होगा ये मिस प्रिंट है यहाँ पर यहाँ पर फाइव ना होके फोर हंड्रेड फिफ्टी होगा और एक इनमें से एक संख्या पैंतालीस है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए ये चलिए किस वजह से ऑप्शन नहीं प्रिंट है कोई बात नहीं है यहाँ पर क्या होगा लासा इंटू मासा फोर्टी फाइव इंटू सेकेंड नंबर एक्स मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के इक्वल होता है ये फोर हंड्रेड फिफ्टी तो क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे पच्चीस गुणे चार सौ पचास बटे सौ फोर्टी फाइव डिवाइड कर दीजिए फोर्टी फाइव बन जा फाइव तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी दूसरी संख्या हमारी टू हंड्रेड फिफ्टी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का मासा व लासा क्या होगा प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होती हैं दो चार और छः दो का फैक्टर कर लीजिए दो वन इंटू टू इंटू टू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री मासा क्या होता है तीनों में जो कॉमन वो टू दिख रहा है लासा क्या होगा जब जो, जो नंबर देखिए टू सबसे ज़्यादा किसके फैक्टर में आया फोर के थ्री से सिक्स के आया तो ये लासा ट्वेल्व हो जाएगा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा टू एंड ट्वेल्व इनका मासा और वलासा फ्रैक्शन का मासा और लाशा निकालना बहुत ही आसान होता है जो चीज़ भी पूछी जाएगी वो हम डिनोमिनेटर की निकालेंगे और और सॉरी न्यूमरेटर की निकालेंगे यानी कि अंश की निकालेंगे और न्यूमरेटर की उसके हम डिनोमिनेटर की उसके अपोजिट निकालेंगे ऐसे मासा निकालना है तो हम जो अंश है उनका मासा निकालेंगे और हर का हम लासा निकालेंगे अगर लाशा निकालने कहा गया तो हम अंश का लाशा निकालेंगे जो भी निकालना होगा वो अंश का निकाल लेंगे और हर का उसके अपोजिट निकाल लेंगे तो जैसे कि नंबर्स हमको दिए हुए हैं आप देख सकते हैं कि हमको नंबर्स दिए हैं थ्री अपॉन एट फाइव अपॉन ट्वेल्व नाइन अपॉन सिक्सटीन वेरी इजी तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए तो हम दोनों निकाल के चलते हैं थ्री फाइव नाइन थ्री फाइव नाइन तो इनका पहले वन इंटू थ्री वन इंटू फाइव और वन इंटू नाइन अगर इसका लास मासा देखें तो वन होगा लासा क्या होगा मासा लासा क्या होगा थ्री एक बार आया फाइव एक बार आया नाइन एक बार आया तो क्या हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइन फाइव जै फोर्टी फाइव इंटू थ्री हो जाएगा थ्री फाइव जै फिफ्टीन थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री वन हंड्रेड थर्टी फाइव ठीक है न सॉरी ये गलत यहाँ पर कर गए थ्री इंटू थ्री होगा क्योंकि तो नाइन के हमने फैक्टर नहीं किए तो ये देखिए थ्री सबसे ज़्यादा बार किस में आया नाइन के फैक्टर में थ्री इंटू थ्री हो जाएगा और यहाँ पर फाइव एक ही बार आया तो इसका लासा हो जाएगा फोर्टी फाइव ओके मासा हो गया एक लासा हो गया फोर्टी फाइव दूसरा क्या था डिनोमिनेटर क्या थे क्योंकि दोनों चीज़ें निकालनी दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं अब देखिए एट और ट्वेल्व ट्वेल एंड सिक्सटीन इनके पास प्राइम फैक्टर कर दीजिए एट ट्वेल्व सिक्सटीन एट के हो जाएंगे टू इंटू टू इंटू टू ट्वेल्व के हो जाएंगे टू इंटू टू इंटू थ्री एंड सिक्सटीन के हो जाएंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अगर इसका लाशा देख मासा देखें तो फोर हो जाएगा क्योंकि टू के हम देख लिए ना तीनों कौन कौन से इसके अलावा तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा और लाशा देखें तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्योंकि टू सबसे ज़्यादा सिक्सटीन के फैक्टर में आया सिक्सटीन का पूरा हो गया और ये थ्री यानी कि फोर्टी एट हमारा लासा हो जाएगा फोर्टी एट तो पहले क्या निकालना है मासा तो इसका मासा कितना आया था इस नंबर का मासा किसका अंश का निकालेंगे अंश का मासा कितना था वन था और हर का लासा कितना था फोर्टी एट तो वन अपॉन फोर्टी एट हो गया और अंश अब लासा निकालना है तो अंश का लासा कितना था हम देखते ही बता सकते हैं कि अंश का लासा फोर्टी फाइव था तो क्या निकालेंगे हर का मासा फोर्टी फाइव अपॉन फोर तो हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे छः सात आठ नौ और बारह से भाग देने में प्रत्येक दशा में दो से बचे देखिए इसका जो मासा इसका जो लाशा वो छोटी से छोटी संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए वो उसका लाशा होती है लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड होगी तो दो उसमें शेष बचना चाहिए तो क्या करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर जीरो तो जो भी नंबर आए उसमें इनका लाशा निकालिए और जो भी नंबर आए उसमें ऐड कर दीजिए तो छः सात आठ नौ बारह का लाशा निकाल लीजिए छः सात आठ नौ और बारह का लाशा यही तो करना है क्या और कुछ करना है कुछ नहीं तो छः सात आठ नौ का क्या होगा दो गुणे तीन वन गुणे सेवन दो गुणे दो गुणे दो तीन गुणे तीन गुणे तीन, तीन भरा क्या क्या हो गया दो गुणे दो देखिए दो किसके फैक्टर में एट के फैक्टर में साब से ज़्यादा बार तीन बार आया तो एट हो गया इसको मल्टीप्लाई करने पर थ्री नाइन के फैक्टर में आया नाइन हो गया और सेवन एक बार आया तो लाशा क्या हो जाए इसका नौ बहत्तर बहत्तर सिक्तें 504, 504, यही होगा ना पाँच सौ चार हो गया लेकिन ये जो एलसीएम आया ये इन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा मतलब रिमाइंडर कितना आएगा जीरो तो हम इसमें बस दो और जोड़ दीजिए क्योंकि तो जब दो ज़्यादा आएगा तो दो ज़्यादा होगा तो लाखी में तो ज़्यादा बचेगा हर एक से डिवाइड करने पर तो हमारा आंसर हो जाएगा पाँच सौ छः नंबर तो यहाँ पर पाँच सौ हमारा सही होगा और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें छह सौ उनतालीस सात सौ बारह और पंद्रह सौ छब्बीस को भाग देने पर 10, 9, 8 से तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे आप देखिए इससे मतलब अगर हम इसका एस निकाल लेंगे डायरेक्ट इसका एस निकाल लेंगे तो वो क्या करेगा इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा लेकिन हमें चाहिए क्या दस नौ आठ शेष बचे तो हमें क्या करना है कि इनसे के अनुसार इन दस नौ आठ दस नौ आठ को माइनस कर दो तो हम जब इनसे दस नौ आठ को माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे छः सौ उनतालीस से जब दस माइनस करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा तो छः सौ उनतीस बचेगा और दूसरा नंबर अब हम डिवाइड डिवीज़न वाला जब भी लंबे डिजिट हो आप डिवीजन मेथड का यूज़ कीजिएगा और दूसरे से जब हम माइनस करेंगे नौ तो सात सौ तीन बचेगा डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा जो एस एफ आएगा सिक्स तो हंड्रेड ट्वेंटी नाइन फोर और, और यहाँ पर बचेगा सेवन ठीक है ना सेवन सेवेंटी फोर यहाँ पर सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी नाइन फिर डिवाइड कीजिए तो हमारा आएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंट सेवेंटी फोर सेवन का मल डिवाइड कीजिए और एट लास्ट ये प्रोसेस आप करते जाइए तो इन तीनों का एस जो है देखिएगा इन तीनों का एस है, है वो आएगा थर्टी सेवन और हमारा ऑप्शन होगा थर्टी सेवन सही होगा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके इस सवाल को आसानी से ये आप अपने आप कीजिएगा एक तरीके से होमवर्क मान के ठीक है इसको ट्राई कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और खुद ही अपने पास मत रखिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो